फर्स्ट टारगेट है 400 किलो टच करने का, 400 किलो का होल्ड ले। तो अब 370 फिर सीधा अपना जो आज का टारगेट 400 किलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छी होंगे। तो आज है मेरा स्क्वाट्स का सेशन और टारगेट है 220 पे 5 रेप का, बिल्कुल रॉ पुराने वाले नहीं पे। लास्ट वीक 230 पे 3 मारा था, उसका वीडियो तो नहीं बनाया था बट रील डाला था आपने, हर जो आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, नहीं देखा तो आप इंस्टा की आईडी आ रही होगी, जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी अच्छा सेशन किया था, तो आज डीलोड सेशन है, तो 220 का रॉ बिल्कुल ट्राई करूँगा पुराने वाले नहीं पे। टाइटन वाले नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि उसको मेन सेट के लिए बचा के रख रहा हूँ, उसे 3 रेप के ट्रेनिंग में उसको यूज़ करूँगा। तो आज ये 220 से 5 जो है डी लोड, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज मेरे को लोड लेना है, लोड एज इन होल्ड लेना है 10 सेकंड का। तो लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो 380 तक गया था, 380 केजी। आज टारगेट है 400 किलो टच करने का, तो 400 किलो का होल्ड लेते हैं एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए। तो वीडियो बने रहिए, बहुत मज़ेदार वीडियो होगी और आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सीधे आपको ज़्यादा वहाँ नहीं दिखाऊंगा, सीधे लास्ट वार्म अप जो कि 200 या 190 होगा, उसके बाद 220 जो मेन सेट है वो दिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट जो होल्ड चलेगा मेरा 400 किलो तक के लिए वो दिखाऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर। सो बार लोड है 200, लास्ट वार्म अप है मेरा, उसके बाद फिर सीधे मेन सेट। नहीं भाई, पुराना वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टाइटन वाला भी यूज़ करना नहीं है, डीलोड सेशन है, रॉ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा ही है। तो वैसे भी टाइटन वाला बहुत कॉस्टली है, इसको स्टिचेस ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना आगे जाके और ज़्यादा दिक्कत होगा। इसको पहनता हूँ, उसके बाद सीधे लेन चल रहा है। ईजी, अब जाते हैं सीधे मेन सेट की तरफ 220। तो एक सेट इसका रॉ तो लगा लिया और दो ही रैप लगाया, लगाया क्या, दो ही रैप गया क्योंकि बॉडी नहीं साथ दे रहा है। पिछला वीक बहुत अच्छा गया था, 230 पे 3 मार दिया था इजी, तो उसका रील भी है इंस्टा पे, आप जाके देख सकते हो। तो क्योंकि आज मेरा मेन फोकस लोड को लेके था, शायद इसलिए भी हो सकता है कि नहीं गया। तो लोड लगाते हैं, अभी 220 था तो अब करते हैं 270 पे पहले लोड लेता हूँ। तो आपको अभी इतना नहीं दिखाऊंगा, आपको सीधे दिखाता हूँ जब 300 क्रॉस करता हूँ ना, तब दिखाता हूँ। तो बार लोड है 320 किलो, इसको लेते हैं लोड और उसके बाद फिर 370। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आई प्रॉमिस। मर बॉडी बेटे के लिए बना ला, लेफ्ट झुक रहा था ना। हाँ इधर भागे हुए हैं, हम वो घसकाने का कोशिश कर रहा था रडवा, नहीं सर घम का कर तो अब 370। सो अब बार लोड है 370 किलो, इसको देखते हैं कैसे जाता है, उसके बाद फिर सीधा अपना जो आज का टारगेट 400 किलो।
हट। पाप ग्रैंड यार, ग्रैंड यार, तू मत हेड पकड़ यार, प्लेट पकड़ यार, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, लग रहा है ना गर्दन से लेकर बैक सब कड़ 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 हो जाए। बहुत टाइम हो गया लोड लिए हुए इसलिए। क्या किया जाए अब, 400 लगाते हैं? 400 के लिए हम बोलेंगे कि मत लगाओ। क्या है इधर आके देखो, लगा है जगह तो नहीं है, तो पूरा भर गया है। इतना ही में हम तो कहेंगे बेवकूफी होगा, अभी अभी रिक्स मत लो, आराम से अगली बार में जब लेना होगा तो उसमें आयरन प्लेट पे लिया जाएगा। अभी पूरा बैंड भरा है और भरेगा तो प्लेट गिरने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है छोड़ देते इतना ही पे, काफी है वैसे भी इतना। रॉय 370 इनफ है। तो आज अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा पाएंगे 400 किलो क्योंकि लग ही नहीं रहा है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं बचा बिल्कुल भी, बिल्कुल भर गया है। अब अगर इसको 400 किलो करना होगा ना तो उसके लिए मेरे को ऑलमोस्ट 15-15 किलो और डालना होगा, तो वो आज तो नहीं लगेगा क्योंकि लग ही नहीं पा रहा है, प्लेट नहीं है। तो छोड़ देते हैं, स्पेस नहीं है, वही तो बोलो कि स्पेस नहीं है, नहीं लग पाएगा, तो छोड़ देते इतना ही पे। 370 भी काफ़ी होता है, 380 तो वैसे पहले ही मारा था मैंने, तो PR तो नहीं हिट हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इनफ है आज के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।